कोसी कला के नाथालय में आज वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस आयोजन में कोसी कला के समाजसेवी व हरियाणा, राजस्थान, यूपी के अन्य शहरों के समाजसेवियों ने भी इसमें भाग लिया। इस आयोजन में जो अनाथ बच्चे हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया और यहाँ पर सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की गई। जब हमने अनाथालय कोसी कला के अध्यक्ष अलोक गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया, हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जो बच्चे बेसहारा हैं, जिनको कि कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, उनको एक अच्छा जीवन मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। उसके लिए हमने एक ये यहाँ पर एक हॉस्टल बनाया है, जिसमें ये बच्चे जिनका कि बेसहारा हैं, गरीब हैं, जिनका कि कोई सहारा देने वाला नहीं है, अब उनके यहाँ पर रहने की, खाने की पूरी परवरिश की व्यवस्था करते हैं, उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करते हैं, उनको यहाँ पर हम सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़वाते हैं। और हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चे जो कि जिनका कि कोई आधार नहीं है, जिनका कि कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, उनको वे अपने जीवन में कुछ बने, वे समाज के लिए एक एक सिस्टम का कार्य करें, वो एसेट का कार्य करें, वे बोझ ना बने समाज के ऊपर, बल्कि समाज में कंट्रीब्यूशन करें। तो हम इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं। आज भी हमारा उद्देश्य यही था कि बच्चे अपने कार्यक्रम से ये बताएं कि जब वे यहाँ आए थे तो किस प्रकार के थे, वो कहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ बहुत साथ कोसी में है, इसके अलावा फरीदाबाद, गुड़गांव, बहुत ही व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते थे कि वे भी इस बात को देखें कि जो उनका दिया हुआ धन है, जो तन मन धन से सेवा करने से आश्रम की, उसके क्या फल निकल रहे हैं। तो वह फल हम सबके सामने रखना चाहते थे और आज ये उद्देश्य था। और बाकी तो जितने भी यहाँ पर आगंतुक हैं बताएंगे कि उनको कैसा लगा कि बच्चे आगे बढ़े, कितना आगे गए, कितना उनके पढ़ाई में वो अच्छे हुए। बच्चों में हमने ये भी ध्यान रखा कि वे आगे बढ़ने के साथ साथ उनके अंदर जो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण दब्बूपना था वो हट जाए और वे मुखर होकर अपनी बात रख पाएँ, इसलिए आज उन्होंने अपने कार्यक्रम भी दिए हैं इंडिपेंडेंटली, और उसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, धर्म पे बोले हैं, समाज पे बोले हैं। इसका अर्थ ये है कि हम इस बारे में काफ़ी आगे निकल पाए हैं कि वो बच्चे अपने परिवेश से बाहर निकलें और कुछ अपने जीवन